नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप यहां देख सकते हैं 30 जनवरी के दिन बापू को श्रद्धांजलि देते हुए। आज एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं मोदी जी से। मोदी जी, बापू को श्रद्धांजलि देना आपके लिए कितने मुश्किल रहा होगा ना, कितने भारी मन से आपने बापू को श्रद्धांजलि दी होगी ना। और मैं ऐसा किस लिए कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सच कहा जाए तो महात्मा गांधी जिन सिद्धांतों के लिए लड़े, जिए और फिर उन्होंने अपनी जान दी, उन सिद्धांतों का आपकी सरकार और आपके प्रचार तंत्र से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं प्रधानमंत्री कि आप जब महात्मा को अपनी श्रद्धांजलि दे रहे थे तब एक और धर्म संसद जो है वो अस्तित्व में थी। वो धर्म संसद जिसके तेवर हमने हरिद्वार में देखे थे, वो धर्म संसद जिनके नेताओं ने, जिनके तथाकथित संतों ने एक मंच पर खड़े होकर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की बात की 1857 जैसा, जिन्होंने नफरती बयान दिए, जिन्होंने माइनॉरिटीज के बारे में अनाप शनाप बातें कही, जिन्होंने हिंदुओं से कहा कि तुम घरों में हथियार रखो, आप उस मुद्दे पर पूरी तरह से खामोश हुए। खानापूर्ति के लिए आपने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया मगर उनके हौसले अब भी बुलंद हैं। और यही नहीं, जैसे कि आप इस बयान में देख सकते हैं, उनके एक साधु ने यह तक कहा कि हमें मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को सत्ता में दोबारा लाना है। यानी कि ये तथाकथित धर्म संसद जो सिर्फ नफरत का प्रचार प्रसार कर रही थी वो आपकी पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन की बात कर रही है। क्या इसलिए आप इन मुद्दों पर नर्म रहते हैं? बताइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कल आपकी विचारधारा से जुड़े लोगों ने सोशल मीडिया पर नाथूराम गोडसे जिंदाबाद ट्रेंड करवाया, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं इनमें से कई लोगों के ताल्लुक भाजपा से होंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इनमें से कई लोगों को आप खुद प्रधानमंत्री ट्विटर या सोशल मीडिया पर फॉलो करते होंगे और इनकी हरकतें सबके सामने हैं। जब राहुल गांधी ने यह बात की तो आपका पूरा प्रचार तंत्र बुरी तरह से बौखला गया। क्या कहा आपके स्क्रीन पर? एक हिंदुत्ववादी ने गांधी जी को गोली मारी थी, सब हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी जी नहीं रहे, जहां सत्य है वहां आज भी बापू जिंदा हैं। राहुल गांधी के इस बयान से पूरी बीजेपी हिल गई। उन्होंने एक शब्द पकड़ लिया, हिंदुत्ववादी, और इसे वो हिंदू धर्म का अपमान बताने लगे। जबकि हकीकत यह है कि राहुल गांधी ने जो बात कही वो राहुल गांधी की सोच नहीं है, वो हर व्यक्ति जिसका गांधी में विश्वास है उसकी सोच रही है। क्योंकि नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी की हत्या की साजिश रचने वाले जो लोग थे उनका क्या मानना था कि 30 जनवरी 1948 के बाद गांधी खत्म हो जाएंगे। मगर साबरमती का वो संत जिंदा रहा। 2000 के दशक में, मेरे ख्याल से 2006 या 7 में लगे रहो मुन्ना भाई एक फिल्म आई थी और उसमें एक शब्द का जिक्र किया गया था, गांधीगिरी। आप बताइए ना, जिस व्यक्ति को एक खास सोच ने 1948 में शारीरिक तौर पर गोली से मार दिया था, 2006 और 7 में लोकप्रिय कल्चर में, पॉपुलर कल्चर में, बॉलीवुड में वो व्यक्ति आज भी अपनी दस्तक दे रहा है, अपनी मौजूदगी का आभास दिला रहा है। क्योंकि गांधी के मायनों को आप समझ ही नहीं सके ना। गांधी के क्या मायने थे? देखिए, गांधी के मायने एक व्यक्ति नहीं था, गांधी एक सोच थे। उन्होंने कभी भी खुद का प्रचार प्रसार नहीं किया, क्योंकि बीजेपी को इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर आप चाहते हैं कि गांधी की तुलना में आप एक और सोच को खड़ा करें तो सबसे पहले उस सोच के पीछे व्यक्ति विशेष को बढ़ावा देने वाली सोच नहीं हो सकती।
एक व्यक्ति विशेष, एक इंसान का महिमा मंडन, उसे खुदा ईश्वर के तौर पर पेश करने वाली सोच नहीं हो सकती। आपको यह समझना पड़ेगा कि दुनिया भर में नेल्सन मंडेला, बराक ओबामा, मार्टिन लूथर किंग, तमाम जो बड़े बड़े चेहरे जो किसी देश के राष्ट्रपति थे या जो किसी बड़े आंदोलन से जुड़े हुए थे, जिन्होंने लोगों के मानवाधिकार के लिए जद्दोजहद की, आखिर क्या वजह है कि वो गांधी को अपना हीरो मानते हैं? क्योंकि गांधी तो 1948 में खत्म हो गए थे ना, 30 जनवरी 1948 में गांधी खत्म हो गए थे। तो क्यों उन्हें अपना हीरो मानते हैं? क्योंकि गांधी जी की जो सोच है, उनकी जो टीचिंग्स हैं, वो कालजयी हैं, वो अमिट हैं, वो आने वाले कई हजारों लाखों साल तक जिंदा रहेंगे। इसलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि प्रधानमंत्री, जब आप उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे होंगे तो आपके लिए कितना मुश्किल रहा होगा, क्योंकि आप उस पॉलिटिकल पार्टी से नाता रखते हैं जो उनकी सोच का की तौहीन करते रहता है, गांधी का मजाक उड़ाते रहता है, उनको गालियां देते रहता है। मैं आज की तारीख में चुनौती देना चाहता हूं भाजपा के प्रचार तंत्र को या इस सरकार को भी। प्रधानमंत्री क्यों नहीं हर 30 जनवरी या 2 अक्टूबर को राजघाट जाना बंद कर दें, हमेशा के लिए आप बंद कर दीजिए। मैं आपसे यह भी अपील करता हूं कि गांधी जी ने जो हमें पढ़ाया लिखाया है, जो हमारी स्कूल की किताबों में है, कॉलेज की किताबों में है, वो सब कुछ आप हटा दीजिए, क्योंकि इतिहास बदलने का काम, टेक्स्ट बुक्स को बदलने का काम तो आप कर ही रहे हैं ना। मैं आपको एक चुनौती देता हूं, आप ऐसा कर दीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ऐसा करने के बावजूद, और अगर अगले 50 साल भी बीजेपी सत्ता में रहती है ना, आप गांधी को खत्म नहीं कर पाएंगे। आज भी प्रधानमंत्री जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाते हैं तो उन्हें यह बतलाना पड़ता है कि मैं उस देश से हूं जिस देश में गांधी थे। आप खुद गांधी के बगैर एक बहुत बड़ा शून्य हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, एक बहुत बड़ा शून्य हैं आप। आप खुद का वजूद, आपसे मेरा मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या सिर्फ बीजेपी नहीं, मैं इस देश के हर व्यक्ति की बात कर रहा हूं, हम सब का वजूद गांधी के बगैर अधूरा है। और खासकर जो लोग राजनीति करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी राजनीति करते हैं, उनका तो एक बहुत बड़ा शून्य है। और इस गांधी ने आपको बांध के नहीं रखा हुआ है, गांधी आप पर प्रेशर नहीं डालते हैं, दबाव नहीं डालते हैं कि नहीं तुम मेरी सोच से जुड़े रहो, नहीं, वो आपको पूरी आजादी देते हैं। वो आपको यह भी आजादी देते हैं कि तुम मुझे गाली दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक छोटी सी मिसाल देता हूं मैं आपको, कई बार बता चुका हूं, फिर दोहराऊंगा। याद है आपको भारत छोड़ो आंदोलन? पढ़ा होगा आपने उसके बारे में। भारत छोड़ो आंदोलन, पूरा देश एक साथ था दोस्तों, मगर आरएसएस और मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग उसमें शामिल नहीं थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भाजपा के सबसे बड़े विचारक, उन्होंने तो बाकायदा अंग्रेजों को खत लिखकर कहा था कि हमारा भारत छोड़ो आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो सरकार में मुस्लिम लीग के साथ थे। सावरकर, महात्मा गांधी की जब हत्या हुई थी तो आपको याद होगा जो लोग कटघरे में थे, सावरकर भी पीछे बैठे हुए थे कहीं पे। मगर आप खुद सोचिए, अगर 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के बाद कहीं यह बात कह दी होती कि अरे इन आरएसएस वालों ने भारत छोड़ो आंदोलन में शिरकत नहीं की, ये देश के गद्दार हैं, आरएसएस का वजूद वहीं खत्म हो जाता। आज जब आप इस पूरे देश को चला रहे हैं, आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए महात्मा गांधी का, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। यही तो खूबसूरती इस देश की कि कई किस्म के विचार एक साथ पनप सकते हैं, हम सब एक साथ रह सकते हैं, आपके चाहे जो भी विचार हो, यही खूबसूरती इस देश की है। और इसी खूबसूरती को, इसी अनूठी सोच को यह जो मौजूदा तंत्र है वो खत्म कर देना चाहता है। मगर यह मौजूदा तंत्र जानता है कि बगैर गांधी के आशीर्वाद के तुम भी नहीं पनप सकते, इसलिए गांधी की महानता को समझो, गांधी के मायनों को समझो।
जल्दी समझ जाओगे तो बेहतर होगा, नहीं समझोगे तो समाज इसी तरह से दो फाड़ होता रहेगा, अराजकता मचती रहेगी और देश उसकी एक बहुत भारी कीमत चुकाएगा। नमस्कार।